हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए नमक पारे लेकर आई हूँ। शक्कर पारा ही के जैसा बनता है, लेकिन इसका थोड़ा सा क्वांटिटी अलग होता है। और जो शक्कर ऊपर से डाला यो डालते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं डो तैयार करने के टाइम में। देखिए, अजवाइन है, कलौंजी है, आई वाइट वाला तिल है थोड़ा सा, और ये मैं साटा बनाई हूँ। दूध का छाली है और ये मैदा है, दोनों को मिलाऊंगे। उसमें थोड़ा सा घी, शुद्ध घी या घी ही डालना है, क्योंकि उसको गाढ़ा होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल डालेंगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा और साटा खराब हो जाएगा, सटेगा नहीं बढ़िया से, पहने लगे पानी जैसा हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डालें, डो तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक डालें और रिफाइंड डालें। उसका डो तैयार करने के लिए इसमें अजवाइन डाल देंगे और करौंजी और जो तिल है वो डाल देंगे और डो तैयार करेंगे। शक्कर पारा का जैसा ही होता है, इसमें नमक डाल देते हैं, शक्कर पारे में नमक नहीं डालते हैं। ये नमक पारा है इसलिए इसमें नमक अंदर नहीं डाल देंगे। इसमें और थोड़ा सा पड़ेगा, मैन पड़ेगा, इसमें रिफाइंड और थोड़ा सा डलाएगा। और उसके बाद देखिए अच्छी तरह हो गया है। अब इसका डो तैयार करके थोड़ा देर के लिए मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद शक्कर पारा तैयार करूँगी। साटे के लिए मैं छाली रखी थी और इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी और धीरे धीरे मैदा इसमें फेंट दूंगी, फेंट कर, और इसको भी थोड़ा देर के लिए रख दूंगी। डो तैयार हो गया है, थोड़ा देर के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दी थी। अब साटा भी तैयार हो गया है और अब मैं बेल के दिखा रही हूँ कैसे बनता है नमक पारा। तैयार हो गया है, इसके बड़े बड़े लोई में चार जगह में बांट दूंगी और उसके बाद चारों को एक ही साथ बेल लूंगी। पतली बेलना है, बड़ा पतला पतला एकदम बेलना है। देखिए चार हो गया और अब मैं इसको थोड़ा सा मैदा फैला दी हूँ और उसके बाद बेलूंगी। देखिए चार अलग अलग मैं बेल ली हूँ और इसमें मैं साटा लगा कर पूरी तरह अच्छी तरह से फैला दूंगी। हाथ से फैलाने में ज़्यादा अच्छा से फैलता है, स्पून से उतना अच्छा से नहीं फैलेगा, हाथ से एक साथ जैसा फैल जाएगा। देखिए इसी तरह मैं चारों से सट्टा लगा के और साट दूँगा। बहुत ही अच्छा नमकीन है, ये सभी को बहुत पसंद पड़ता है। शाम को हल्का फुल्का नाश्ता में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए चारों को ऐसे ही फैला के और एक साथ कर लूँगी और उसको फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं फिर से बेलना शुरू करूँगी। इस तरह से मैं फोल्ड करती हूँ। फोल्ड करने
करने के बाद अगर फ्रिज में थोड़ा देर रख देंगे तो सेट हो जाएगा, अगर नहीं रखना चाहती है तो नहीं भी रख सकती है। फ्रिज में थोड़ा सा रखिएगा तो जो घी है सो टाइट हो जाएगा, बेलने में आसान होगा, नहीं तो थोड़ा सा फैला ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं तो ऐसे ही बेल रही हूँ। हाथ से अच्छी तरह से दबा दीजिए कि खुलेगा नहीं, फ्राई करते समय खुले नहीं, अच्छी तरह से दबा देना है। और अब इस पर थोड़ा सा मैदा छींट और बेलना है। बहुत मोटा हो गया है इसलिए दो जगह कर देने से अच्छा रहेगा, दो जगह करने से पतला और अच्छा बेला, जैसे आप मोटा पसंद करती हैं मोटा, पतला पसंद करती हैं पतला, जैसा आप चाहें वैसा बेल सकती हैं। देखिए मैं काट ले रही हूँ, काटने के बाद बेलूँगी। अब इसको पतला बेलूँगी। देखिए कितना अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।